Hi guys, this is Shushank Jain, co-founder of Woodofa Interiors. Welcome to our channel Woodofa. Today we are doing a home tour with a special couple and star of the family, Utkar. Cool. So let me introduce the family, Pooja and Manav. Hi guys. Hi Manav. Hi guys. Is Archit. Hi Pooja. Hi. So guys, we are here in their home and I'm gonna tell you and tour the entire home for you. Is their special child Archit. अच्छा पूजा, आप और मानव ये बताओ कि एक हमारा पुराना हमने फर्नीचर यूज़ किया था, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, उसकी सोच क्या थी और वो कैसे रीयूज हुआ? क्रॉकरी जो जो कि एक्चुअली में टीवी यूनिट था, क्रॉकरी तो हमने बनाया, पुराना टीवी यूनिट था। और मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला, आज भी यही बोलती हूँ यार, ये और क्यों नहीं चेंज कराया क्योंकि मुझे देख के नहीं अच्छा लगता ज्यादा, लेकिन फिर भी बेटर है, लेकिन बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकता। करेक्ट। सो गाइज, ज़रूरी नहीं होता कि सारा कुछ सामान घर से लेके आ रहा है, बट मैं समझता हूँ कि कई बार बजट की प्रॉब्लम होती है, कई बार इक्वेशंस नहीं सही बैठ पाती। सो आपको ना अपने घर की हमेशा नई थीम के बारे में सोचना है, अपने नए घर के बारे में सोचना है, पुरानी एनर्जीज पुराने फर्नीचर्स को नहीं लेके आना है। कई बार क्या होता है पूजा, अच्छा भी बन जाता है, कई बार ख़राब भी हो जाता है। सो और फिर बाद में फिर पछतावा होता है यार, ये और 10-20 हज़ार रुपये की बात थी, ये और कर लिया होता है तो बड़ा स्कीम ऑफ थिंग्स तो फ़र्क नहीं पड़ता दैट वे। अदरवाइज आई स्टिल रिमेंबर उसकी जो लुक और जो इसकी लुक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है और ये फिर भी बहुत अच्छा है। गुड, ओके। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू मानव इज, मानव आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस विद वुडोफा कैसा था? मतलब डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन, मी, संगीता, प्रेम, सो मैनी पीपल आर इन्वॉल्व, मतलब इतने सारे लोग हैं हमारी टीम में जो आपके साथ कोऑर्डिनेट करते थे और बात करते थे, कैसा रहा? So overall experience was really good. It was the first experience for me. So and I can say that, you know, कि मेरे लिए as a customer आप लोगों ने जो मेरी need थी वो पूरी की पूरी fulfill की, और जो मैं सोच सकता था कि मेरे को इस level की house की एक ज़रूरत है, वो आपने at least वो उसको पूरा match किया। आपकी टीम बहुत सारे हार्ड वर्कर हैं, दे आल संगीता एंड प्रेम, एंड दे पेशेंटली यू नो वेरी यू नो लिसन टू मी एवरी टाइम, यू नो सम टाइम आई गॉट यू नो आई वांटेड टू बी मोर स्पीडी बट यू टोल्ड मी दैट यू नो इट टेक्स टाइम टू यू नो एग्जीक्यूट एंड इट्स रिक्वायर्ड टाइम टू यू नो टू बी ऑन द राइट थिंग्स, टू बी ऑन द राइट प्लेस। मैं ये भी कहूँगी कि मेरे हस्बैंड हर मोस्टली बॉयज के अंदर गुस्सा बहुत होता है, पेशेंस नहीं होते, तो वो भी मेरे हस्बैंड में बहुत ज़्यादा है, गुस्सा है, तो वो एवरी टाइम संगीता प्रेम सबको बोलते रहते थे, लेकिन उन लोगों में इतने पेशेंस है, ऑल्सो शशांक के नर्पित ऑल्सो, कि वो लोग बहुत कामली इनको हैंडल करते थे। so hats off to you. थैंक यू सो मच। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इस पर पूरी तरह एग्री नहीं करता। मानव इज़ प्रेटी गुड, मैंने क्लाइंट्स देखे हैं जो कि मतलब उनको कितना भी समझाओ समझ ही नहीं आता, बट ही वॉज लाइक, आप दोनों की तारीफ़ है। टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैं ये बताना भी चाहता हूँ, बिकॉज जब तक कि म्यूचुअली यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज, लाइक मी एज अ डिज़ाइनर एंड यू एज द कस्टमर, वो घर वैसा बनेगा ही नहीं। अगर हम सब लोग सिर्फ या तो मैं सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचूंगा और आप सिर्फ अपने घर के बारे में सोचोगे, तो कभी वो घर घर बनेगा ही नहीं। कोई ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रहेंगी, पर जब आप दोनों लोग, आप और हम लोग मिलके काम करते हैं, तो उसमें ये सोचते हैं कि अच्छा आपको एक अच्छे घर में लेके आना है, आपका एक ड्रीम हाउस है, पहली बार आप कर रहे हो, रेंटेड अकोमोडेशन में रहते थे, पहली बार एक घर खरीदा, उसको अच्छा ब्यूटीफाई करना है, तो ये एक म्यूचुअल फीलिंग है। और मैं तारीफ करूंगा इसमें पूजा और मानव दोनों की फॉर श्योर, एंड पूजा स्पेसिफिकली बिकॉज शी वॉज ऑलवेज देयर, सो वेन एवर देर वॉज अ गैप शी वॉज ऑलवेज देयर टू ब्रिज इट, 100% उन्होंने वो गैप ब्रिज किया है। मुझे टाइम टू टाइम सारी खबर, संगीता प्रेम सब कुछ पता होता था मेरे को कि क्या हो रहा है, बिकॉज आई मे नॉट बी देयर डायरेक्टली कई बार सामने, बट मुझे मालूम है कि पीछे लोग क्या कर रहे हैं और आप किसको क्या कह रहे हो या आप किसको क्या कह रहे हो, तो ओवरऑल टीम मुझे बताती रहती थी, एंड डेफिनेटली पूजा हैड अ बिगर रोल देयर टू सपोर्ट ऑल ऑफ अस टुगेदर इन दिस जर्नी बेसिकली।
every house lady, she is the owner of the day. Absolutely. And मतलब ये center piece है ना, तो इनके around हम rotate करते हैं, revolve करते हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे संगीता है, चाहे कुछ भी है. End of the day, see, she has decided as a Vodafone and she has done it. Done it. I called so many guys, but she has not done it. Done it. So, but we have not been able to decide it. She actually made her mind internally that I wanted to go to Vodafone for my interior house with you. So, end of the day, so she has done it beautifully. And she has managed to do it and you also supported us. Absolutely. Thank you so much, sir. So, my next question is, guys, अच्छा पहले आपसे पूछता हूँ, नहीं उत्कर्ष को पूछता हूँ, उत्कर्ष बहुत देर से शान बैठा है, मेरे को तो ये सुपर स्टार बंदा रखता है सर, ये तो सुपर गाय है. उत्कर्ष, व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस इन द हाउस? ऑब्वियसली उसमें क्या बेड. ओके, सो उत्कर्ष का फेवरेट प्लेस है किड्स रूम का बेड, बंक बेड इज द फेवरेट फॉर उत्कर्ष. पूजा, आपका व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस इन द हाउस? किचन, नो डाउटेडली, एंड बेडरूम. वंडरफुल, तो मास्टर बेडरूम एंड किचन इज द प्राइमरी थिंग फॉर पूजा. मानव जी, आपका? फॉर मी इट्स दिस इज द ड्राइंग रूम and the master bedroom and of course the guest room, because there is a mandir also there. So there are all the places I like. It's not only one place. Very hard to decide that which one is the best. And balcony, of course. Absolutely. The balcony decor, the way we have actually put the grass on it, and the fountain area. So overall, its overall looking experience nice. Was actually good. So there is no place which we feel that we cannot sit. Correct. So in my house, we can sit all the places. So every place has some own value. So I am sleeping in the kids room also. I can sleep in the kids room also. I slept in my master bedroom also. So all the bedrooms are live now. Very good. Generally, which we are seeing in the older house, we are not using any so many rooms. Ek room chalta hai. Yeah, only one room we generally use. But in this time, we are using all the rooms. And I mean, so मतलब टू बी जस्ट एडिट ऑन कि क्योंकि हर एक रूम की अपनी फील है, हर एक रूम का अपना एक टोन है, तो आपको वहाँ जाके कुछ और ही फील होता है. आप गेस्ट रूम में जाओगे तो कुछ और फील करोगे, किड्स में जाओगे तो कुछ और फील करोगे, मे बी मास्टर में सोचोगे तो कुछ और फील करोगे. एंड गेस्ट रूम इज कम्प्लीटली इट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. सो विच वी फील दैट इन आवर हाउस ऑल थ्री बेडरूम एक्चुअली fully utilized. Generally it is not fully utilized in the normal ordinary houses. Which we feel so but in my house we are using all the places which we made. Wonderful. So thanks to you, because thank you sir, you have made so beautiful, we can actually fully utilize the house, every inch of the space. And yeah, every one inch more of thing, my kid also like the master bathroom. Yes. It's taking too much time for taking bath. So that's also, I mean, master bedroom के ऊपर भी एक और चीज़ स्टोरी है पूरी. So the builder gave them a bathroom and हमने उसको पूरा तोड़ दिया. And when we went for selecting tiles, तो अर्पित was there and संगीता was there, maybe with पूजा and मानव. मैं थोड़ा लेट पहुँचा और इन्होंने जो टाइल पसंद करी थी वो मैंने कैंसिल कर दी. मैं बोला ये नहीं लगाएंगे. एक घंटा लगा के इन्होंने एक टाइल पसंद करी, मैं पहुँचा, मैंने 5 मिनट में चेंज कर दी. अपना बाथरूम कि मन करता है, हमारे नेबर भी आते हैं कि आपने बाथरूम चेंज कराया, हमें दिखा दो, हमने तो गलती की, चेंज ही नहीं कराया. सो समथिंग अनएक्सपेक्टेड यू गॉट, जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल कि यार ये ऐसा कुछ होगा. एक्चुअली यू एक्चुअली विजुलाइज्ड अस, नॉट वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट ओवरऑल व्हेन द लाइटिंग कम्स देन ओनली यू कैन एक्चुअली सी द एक्चुअल फील ऑफ द हाउस. विदाउट लाइटिंग यू कैन नॉट डिसाइड, एंड इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन लाइट्स, एंड सो यू हैव टू डिसाइड विच लाइट्स यू नीड्स टू बी यूज्ड. एंड ऑब्वियसली द किचन, you know, at the end when all accessories put into the place, so then only you can actually feel the house. Obviously on picture you cannot visualize everything, but in the practical reality when you feel it, it's better than the actual pictures. Obviously you cannot put everything on the paper, so obviously you have to be practical. So when you are doing practical, there are a lot of things which you need to be keep changed. Keeping and the best part is that
Pooja was also fully engaged with you guys, and she on and off gives so many, you know, inputs to you guys, and she has given me inputs to me. There are a lot of things which we have added later, but it's okay. ग्रेट एंड पूजा, व्हाट डू यू फील कि आपको क्या लगता है कि क्या अनएक्सपेक्टेड आपको लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा बन जाएगा और उतना अच्छा बन गया? मेरे को अपना किचन नहीं लग रहा था कि किचन की जो टाइलिंग थी वो स्टैंड पे जो पसंद की थी, मेरे को डाउट था कि पता नहीं लगने के बाद अच्छी लगेगी कि नहीं। और दूसरी वो जो ओपन एरिया था वो भी लग रहा था पता नहीं कैसा लगेगा, और मोस्टली इम्पॉर्टेंट कि ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर जो ओपन एरिया है वो भी। लेकिन अब लगता है कि हाँ किचन कुछ, मतलब मन नहीं करता मेरा किचन से बाहर निकलने। ग्रेट उत्कर्ष, आपका समथिंग अनएक्सपेक्टेड जो आपको लग रहा था यार ये कैसे हो गया मेरे यहाँ? कलर, मुझे लग रहा था कि कलर पूरा का पूरा वाइट होगा या फिर कुछ ब्राउन होगा, बट जब मैंने देखा तो ब्लू और वाइट अच्छा। ग्रेट, सो इसके लिए अनएक्सपेक्टेड था वाइट एंड ब्लू। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस टिल द एंड, एंड ऑलवेज आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू डू वट एवर यू गाइज लाइक, सो दैट हम वो वैल्यू दे पाएँ, वो चीज़ें बना के दे पाएँ जो अभी तक सिर्फ पिक्चर्स में दिखती थी और वो रियलिटी में उसको उतार पाएँ। थैंक यू गाइज फॉर साइनिंग ऑफ हेयर, आई एम साइनिंग ऑफ हेयर एंड सी यू एट अनदर सोफा फ्रॉम वुडोफा। बाय बाय। Yes, please do subscribe and like, and also hit the bell notification icon there.